नमस्कार, मैं मानसी शर्मा पैनल 24 पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक जादूगर के कमरे के बारे में बताऊंगी। सुनकर तो बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। राजस्थान के न्यू मैरिड कपल घूमने के लिए उत्तराखंड जाते हैं। वहां जाकर वो एक होटल में रुकने का तय करते हैं। लोगों का कहना था कि उस होटल में एक जादूगर का कमरा भी है। उन लोगों को उस बारे में पता चलता है और वो लोग उस कमरे में ही रुकने का तय करते हैं। एक दिन तक तो सब सही होता है, लेकिन अगले दिन रात को जब राहुल और नताशा सो रहे होते हैं, तब नताशा को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो उठकर दरवाजा खोलने जाती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है, एकदम से गायब हो जाती है। इस सब से बेखबर उसका पति राहुल आराम से सो रहा होता है। अगले दिन उठकर जब राहुल अपनी पत्नी नताशा को ढूंढता है, तो वो उसे पूरे कमरे में कहीं नहीं मिलती। वो उसको ढूंढने के लिए बाहर निकलने की कोशिश करता है, और जैसे ही गेट खोलता है, वो भी गायब हो जाता है। बहुत हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उन दोनों का कुछ पता नहीं चलता। और जिस जादूगर के कमरे में वो दोनों रुकते हैं, उस जादूगर को मरे हुए 21 साल हो चुके होते हैं। क्या उस कमरे में जादूगर की आत्मा आज भी मौजूद है? और वो दोनों कहां गायब हो गए थे? और वो लोग गेट खुलने के बाद ही क्यों गायब होते थे? इन्हीं कुछ सवालों के साथ मैं मानसी शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। अब आप सोचना और मुझे बताना, क्या ऐसा भी होता है?